गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम एक हिंदी का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं कि अक्षरों को हम कैसे लिखें, यानी कि वर्णों की बनावट के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं कि हम अक्षरों को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें जो हम पहला अक्षर जो लिखने जा रहे हैं वह है आपका उ। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं उसे क्यों सिखा रहा हूं, हमारी वर्णमाला तो अ से शुरू होती है। आप बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर हम उ बनाना सबसे पहले सीख ले तो बाकी के इसी से संबंधित यानी के उ के बेस पर ही हम और भी अन्य वर्णों को बना सकते हैं। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। कैसे हम बना के देखते हैं। एक वर्ण है हमारा आज उ, और उ को हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम जो अपना चोक है, ठीक है। अब चोक के साथ मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये इसकी लिखाई थोड़ी अच्छी आ रही है। आप अपनी जैसे आप कलम के साथ भी इसको लिख सकते हैं, और या फिर आपका जो पेन है इंक वाला उसकी जो आगे से निब होती है आप उसको थोड़ा घिसा के थोड़ा टेढ़ा कर सकते हो, तभी आपकी हैंडराइटिंग जो है अच्छी, बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। जैसे हम अपना जो चोक है उसको सीधा कभी नहीं रखते, हम उसको इस प्रकार से रखते हैं कि हमारा जो निशान है वो इस प्रकार से टेढ़ा है, ठीक है। तो उससे हम लिखेंगे इसको, जैसे हमने पहले ये बना दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको सेम जिस पोजीशन पे हमने छोड़ा था उसी पोजीशन से हम इसको दोबारा रखते हैं नीचे से, और हम इसको लिख देंगे ऐसे। क्या बन गया हमारा ये ओ, और अब हम इसके ऊपर शिरो रेखा खींच देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अक्षर बन गया ओ, ठीक है। आप चाहो तो इसकी आउटलाइन भी बना सकते हैं, ठीक है, उससे यह और भी इफेक्टिव बन जाएगा। देखिए अब हम आगे करते हैं कि हमने उ तो बना लिया है, आप कह रहे थे कि उ से ही हम अन्य वर्णों को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अब जैसे मैंने उ बना दिया है और इसी उ से हम इसका जो बड़ा उ भी बना सकते हैं, समझ आया ना। सेम वर्ण तो वही था, थोड़ा चेंज किया हमने, इसमें बड़ा उ यानी के उ की जो साउंड वो निकल जाती है। अब देखो कैसे इसको भी हम थोड़ा आउटलाइन इसकी बना देते हैं, ये बन गया हमारा बड़ा, क्लियर है। अब इसी जो हमने उ लिखा है इसी से हम अन्य वर्णों को भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप देखते रहें। अब ये बनाया मैंने उ, और इसी में मैंने इसी वर्ण के साथ थोड़ा सा चेंज करके मैंने इसी से बना दिया अ। बन गया हमारा अ, हम इसकी आउटलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये बन गया हमारा अ, उसे ही बना है, राइटिंग में सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया हमने। अगर हम इसमें थोड़ा और चेंज कर दें, ये देखिए अब क्या बन जाता है हमारा ये इसी में मैंने चेंज किया थोड़ा सा, और अब हमारा ये बन गया आ, क्लियर है। अब हम शब्द है हमारा वही वही हम लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्ण है उ हमने यहां पर बना दिया है, और इसी उ के साथ हम एक अन्य वर्ण बनाने जा रहे हैं। तब तक आप अंदाजा लगाएं हम क्या बनाएंगे। ये देखिए ये हमने और ड्रॉ किया है, ठीक है। पहले हमने
उबना था, फिर ऊ बनाया, फिर आ बनाया और फिर अब अ क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि हम इससे एक अन्य जो वर्ण बनाने जा रहे हैं वो है हमारा अंग। देखिए बन गया हमारा। अगर हम इसी के अंदर थोड़ा चेंज करें, हम यहां से अनुस्वार को हटा देते हैं और हम लगा देते हैं यहां पर दो विसर्ग, तो अब क्या बन जाता है हमारा ये? अब बन गया हमारा अह। क्या बन जाता है हमारा? अह। क्लियर है इतना? अगर हम हमने यहां पे आ बनाया था, ठीक है, हम आ के ऊपर मात्रा लगा दें, अब क्या बन जाता है हमारा? यही बन गया हमारा ओ। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अगर हम इसके ऊपर एक मात्रा की जगह दो मात्रा लगा दें तब क्या बन गया हमारा? ये औ। इसी से बन रहा है, ठीक है, हमारा अ बन गया, आ बन गया, ऊ बन गया, ऊ बन गया, ठीक है, अंग बन गया, अह बन गया, ओ बन गया, औ बन गया। क्लियर है? तो एक ही वर्ण से हमारे इतने शब्द बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आप भी ट्राई कीजिए, ज्यादा इजी नहीं, वो मतलब इसको मुश्किल नहीं कह सकते, इट इज वेरी इजी। आप इसको आसानी से करेंगे और आसानी से कब कर पाएंगे? जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये शब्द अच्छी तरह से लिखने आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन से वर्ण सीखे हैं? सबसे पहले हमने क्या सीखा है? ऊ। उसके बाद क्या सीखा है? बड़ा ऊ, यानी कि ऊ, ठीक है। और क्या सीखा है? अंग। और क्या सीखा है? आह। और क्या सीखा है? ओ। और क्या सीखा है? आउ। ठीक है, तो आप इस प्रकार इन वर्णों का निर्माण करेंगे, आप इसको घर पे ट्राई करके देखिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले वर्णों के साथ, ठीक है। तो आप भी इसको सुंदर सुंदर लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो अगले वीडियो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।